बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफा, घरेलू सार्फिन के लिए फी यूनिट 59 रुपए का हो गया। चंद रोज कबल बिजली की बुनियादी टैरिफ में 7 रुपए इजाफा हुआ था। क्वार्टर टैरिफ एडजस्टमेंट, इनकम टैक्स, पीटीवी फीस बिलों में शामिल। सादिकाबाद में तारीख की अनोखी वारदात, थाना सिटी की हदूद आस्थाना डेरा नूर वाले से 13 करोड़ रुपए की चादर चोरी। चादर पर सोने की तारों से आयात लिखी हुई थी, पुलिस ने कार्रवाई का आगाज कर दिया। दरिया सतलुज में सैलाबी रैलों ने तबाही मचा दी, भावलनगर में चकचावी का समेत मुख्तलिफ मुआजात, पानी की नजर, सैकड़ों एकड़ इराजी दरिया बुर्द, फसलें से रियाब, दर्जनों हिफाजती बन टूट गए, मुतासरीन खुले आसमान तले, बेयारों मददगार। उधर असिस्टेंट कमिश्नर लोधरा अशरफ सालिया का दौरा, दरिया सतलुज में सैलाबी सूरत हाल का जायजा, हिफाजती बंदों का मुआयना किया। भावलपुर में हेड इस्लाम पर पानी की सतह नीचे जाने लगी। मुजफ्फरगढ़ दरिया चनाब में कटाव शिद्दत इख्तियार कर गया, सैकड़ों एकड़ इराजी दरिया बुर्द, आमों के बागात को भी नुकसान, पानी आबादियों में दाखिल, मजीद नुकसान का खदशा है, इलाका मकीनों की नकल मकानी जारी है। दरिया सिंध में निचले दर्जे का सैलाब, जामपुर के नवाही मोजाहिरों का हिफाजती बंद टूट गया, मुतादिद बस्तियां ज़ेर-ए-आब, रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गईं। पिपला के मुकाम पर चश्मा बिराज में पानी की आमद 2,31,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया, पानी का इखराज 2,56,000 क्यूसिक है। एक रोज में एक ही नहर में दो मुकामात पर शुगाव, एक शुगाव पूर किया तो दूसरी जगह से नहर टूट गई। लैया कैनाल में चक नंबर 122 के करीब शुगाव पड़ गया, पानी फसलों में दाखिल, महकमा नहार की टीमें मौके पर पहुंच गईं। बावरपुर में यूटिलिटी स्टोर्स आवाम को रिलीफ की फ्राहमी में नाकाम, चीनी 3 माह से गायब, सार्फिन खाली हाथ लौटने पर मजबूर। शहरों का कहना है चीजें महंगी हो या सस्ती, दस्तियाब तो होनी ही चाहिए, चक्कर लगा लगा कर थक जाते हैं मगर अशिया नहीं मिलती। मुल्तान चैंबर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स का महंगाई के खिलाफ एहतजाज, क्यादत चेयरमैन आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान ख्वाजा मोहम्मद शफीक ने की महंगाई को कंट्रोल करते हुए रिलीफ फ्राहम करने का मुतालबा। महंगाई से शोबा ज़राअत भी बुरी तरह मुतासिर, ज़राई अद्वियात और खाद महंगी होने से यजमान के काश्तकार परेशान, अखराजात ज्यादा और आमदन कम, फायदे की बजाय नुकसान होने लगा। काश्तकारों ने हुकूमत से रिलीफ फ्राहम करने की अपील कर दी। महंगाई ने कारोबारी तबके को भी नाखों चने चबवा दिए, सदर बहावलपुर चैंबर ऑफ कॉमर्स जुल्फकार अली मान का तहफुजात का इजहार, कहा मैशियत बचानी है तो पेट्रोल बिजली गैस सस्ती करना होगी, महंगाई पर काबू पाए बगैर खुशहाली मुमकिन नहीं। अहमदपुर शर्किया में महंगाई माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां, नान फरोश यूनियन सराप एहतजाज, फरोख बंद करने का ऐलान, असिस्टेंट कमिश्नर भी डट गए, कहा मनमानी हरगिज बर्दाश्त नहीं। कोटा दूह अस्पताल के रिहायशी क्वार्टर्स खंडरात में तब्दील, 5 क्वार्टर्स फंड ना होने के सबब खस्ताहाली का शिकार, खिड़कियां और दरवाजे नशे के आदि अफराद ले गए, पैरामेडिकल स्टाफ रिहायश के लिए खार होने लगा। अहमदपुर शर्किया में तरक्याती मंसूबे की तकमील में ताखीर, KLP रोड का काम 3 साल से जेर इल्तवा का शिकार, ट्रैफिक जाम मामूल, सड़क के इतराफ कारोबार ठप, धूल मट्टी उड़ने से अमराज फैलने लगे। और जनूबी पंजाब में फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयां, सरगोधा में 850 किलो मुर्दा मुर्गियां तलब कर दी गईं, मुकदमा दर्ज, मुल्जिम गिरफ्तार, रिक्शा भी तहवील में ले लिया गया। चिश्तिया में भी कार्रवाई, 550 किलो जाली दूध, 48 किलो घी, 43 किलो मिल्क पाउडर तलब।